दूर दूर तक कभी दोस्ती की उम्मीद नहीं दिख रही है। देखिए, इसराइल ने हमारा हमेशा साथ दिया है। कारगिल की लड़ाई में जब जीपीएस टेक्नोलॉजी बंद कर दी गई थी तो हाई प्रेसिशन गाइडेड मिसाइल जो हमें भारत को इसराइल ने ही सप्लाई दिया था, इसराइल ने ही अपना हेरॉन ड्रोन दिया है। इसराइल हमें कई टाइप के स्पाइक बॉम्ब वगैरह को प्रोवाइड करता है। हमारे रडार सिस्टम को बनाने में इसराइल बहुत मदद करता है, खास करके डिफेंस सेक्टर में इसराइल बहुत मदद करता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसराइल अगर मदद नहीं करता तो हम कारगिल लड़ाई नहीं जीत सकते थे या इसराइल से बड़ा हमारा साथी नहीं है। हाँ, इसराइल जरूर है कि वो इस युद्ध के माहौल में भी भारत की मदद कर रहा है, लेकिन कारगिल की लड़ाई में उसने बहुत मदद किया था जिसे हम नहीं भूल सकते। लेकिन हमारे अन्य भी दोस्त हैं, जैसे फ्रांस है, रूस है, अमेरिका ने भी बहुत इस हद तक साथ दिया। लेकिन ऐसी हमारी क्या मजबूरी बन रही है जो हम चाह के भी इजराइल का साथ नहीं दे सकते? इसको समझिए। देखिए, हमें जनेवा कन्वेंशन को भी फॉलो करना है, इंटरनेशनल कोर्ट को भी देखना है, यूएन को भी देखना है। अब कई लोगों में क्या होता है ना, इजराइल फिलिस्तीन में झगड़ा हो रहा है ना, बस इन्हीं दो दोस्त को देख रहे हैं कि ना हम इजराइल के साथ कुछ कर रहे हैं, हम फिलिस्तीन के साथ जो इन साथ कर रहे हैं, हम यहां हैं। उनको यह नहीं समझ में आ रहा है कि भैया इसके अलावा भी दुनिया में अन्य देश है, डिप्लोमेटिक कूटनीतिक असर पड़ता है इसका भी। तो देखिए, इजराइल साथ हम क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि इजराइल वहां पर था नहीं, पहले फिलिस्तीन था, वहां यहूदी लोग रहते थे। देखिए, यहूदी लोग के रहने का मतलब यह नहीं कि वहां देश हो जाएगा। इसका मतलब यह नहीं, कहीं भारतीय रहते हैं तो ऐसा नहीं कह सकते कि उस जगह को आप हिंदुस्तान घोषित कर देंगे। वहां यहूदी रहते थे। एक्चुअली में यहूदियों को ही नहीं पता था कि उनका देश कोई इजराइल हो सकता है। उन्होंने तो 48 में इसका कांसेप्ट लेके आए। जैसे पाकिस्तान कोई देश था क्या? नहीं था। अचानक दो राष्ट्र की मांग उठी, जिन्ना आए, चौधरी रहमत अली आए, अलग अलग लोग आए, अचानक 1940 के बाद तूल पकड़ने लगा, एक नया देश का उदय हो गया पाकिस्तान। कंसेप्ट पहले से नहीं था। उसी तरह इन लोग की एक विचारधारा थी कि हमें एक देश बनाना है, लेकिन इजराइल नहीं था, वहाँ यहूदी थे लोग यहाँ पर। तो एक्चुअली में बाई पेपर अगर देखेंगे तो फिलिस्तीन तो यहाँ पे पेपर के हिसाब से था। तो अगर हम इसको मान लेते हैं कि नहीं, फिलिस्तीन की कब्जा की गई जमीन पर इजराइल का अधिकार है, तो इंटरनेशनल कोर्ट में हम फंस जाएंगे और फंसाएगा ये हमारा ये चचा। कहेगा कि जब कब्जा किया जमीन इसराइल का हो सकता है, तो पीओके कब्जा किया हुआ पाकिस्तान का है तो ये हमारा हो गया। तो चाइना उधर से कहेगा कि अक्साई चीन हमारा है, हमारा हो गया। तो भारत के कुल क्षेत्र कश्मीर का 10% अक्साई चीन है, 30% पीओके है। अब इंटरनेशनल कोर्ट में हम लोग फंस जाएंगे। लोग इस हिसाब से अगर हमने समर्थन कर दिया इसराइल का, तो जिंदगी में कभी भी हम लोग तिब्बत का समर्थन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि फिर इंटरनेशनल कोर्ट और जनेवा वगैरह कन्वेंशन में हम लोग को चाइना फंसा देगा। कहेगा कि जब इसराइल ने कब्जा किया तो आपने उसका समर्थन किया क्योंकि वो आपका दोस्त था, और जब हमने तिब्बत पर कब्जा किया 1959 में तो आप हमारा क्यों विरोध कर रहे हैं? इसका मतलब आप फायदा देख के विरोध कर रहे हैं और घाटा देख के कर रहे हैं, आपका अपना कोई सिद्धांत नहीं है। तो हम इस हिसाब से फंस जाएंगे। इसके अलावा चाइना जो है वो दक्षिणी चीन सागर पर कब्जा करना चाहता है, तो भारत कभी भी इसका विरोध नहीं कर पाएगा इंटरनेशनल कोर्ट में, क्योंकि भारत खुद इजराइल का अगर समर्थन कर देता है कब्जा किए गए जमीन पर, तो हम वहां पे फंस जाएंगे। दक्षिणी चीन सागर पूरी तरह से ले जाएगा, और यहां भी जमीन की लड़ाई नहीं, दक्षिणी चीन सागर के अंदर बहुत बड़े मात्रा में पेट्रोलियम है, और यहां पर चाइना जो है वो एक बहुत ही पुराना नक्शा को फॉलो करता है जिसका नाम है 9-Line। तो चाइना कहता है 9-Line के अंदर के सारे द्वीप हमारे हैं, तो यहां चाइना को बहुत फायदा हो जाएगा भारत के स्टैंड की वजह से, और जापान नाराज हो जाएगा हमसे क्योंकि इन द्वीपों पर जापान का भी इधर से विवाद चलता है। तो चाइना और ऑटोमेटिक कर लेगा। अब भारत को जापान बुलाएगा तो भारत वहां पे भी फंस चुका रहेगा। सबसे बड़ा मुद्दा जो हम इजराइल का साथ नहीं देते हैं वो है यूएनओ। यूएनओ में हमें सुरक्षा परिषद में अस्थाई सदस्यता चाहिए ताकि हमें भी वीटो पावर मिल सके, चाइना, अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, रूस की तरह, जिन्हें 5 देशों के पास अस्थाई सदस्य हैं जिन्हें वीटो पावर है कि वो किसी भी प्रस्ताव को रोक सकते हैं। हमारे पास नहीं है, तो हम ये प्रस्ताव को चाहते हैं। लेकिन ये हमें कब मिलेगा? जब यूएनओ के 193 देश में से 2/3 लोग हमारे साथ हो। 2/3 का मतलब कम से कम 130 लोग हमारे साथ हो सकते हैं। अब देखिए, हमें इन 130 लोगों का समर्थन जुटाना है। तो अगर हम इजराइल को खुश रखेंगे तो हमारे हमसे जो इस्लामिक कॉरपोरेशन के 57 देश हैं वो हमसे खिलाफ निकल जाएंगे। तो 193 में से अगर 57 निकल गए तो टोटल बच गए सब 136, क्योंकि अगर ये OIC वाले अलग हो गए तो केवल बच गए 136। तो क्या लगता है कि दुनिया के 136 देश में से 130 हमको दे ही देंगे सब? तो यही सबसे बड़ी समस्या है। लेकिन भारत इन सारी चीजों को इजराइल को समझाता है कि देख भैया, हमसे तुम्हारी कोई दुश्मनी नहीं है। भारत के लोग इजराइल को फेवर करते हैं, सेना इजराइल का बहुत हथियार यूज करती है, हमारी विदेश नीतियां होती है, लेकिन हमने हर एक बात इजराइल के सामने अवगत कराया है कि भैया हम कूटनीतिक रूप से फंसे हुए हैं, हम डायरेक्टली खुल के तुम्हारा साथ नहीं दे सकते। और भी बहुत से वजह
क्या है। व्यापार को देखिए, अगर हम इसराइल के व्यापार को देखें, ओवरऑल देखना चाहिए रिलेशन। ऐसा नहीं है कि इसराइल ने ही हमें सब कुछ हथियार दिया है। भैया इसराइल से ज़्यादा हमारे लिए फ्रांस ने रफाल दिया है, रूस ने दिया है, ऐसा नहीं। अभी अमेरिका उससे ज़्यादा भी हमारे पास आ रहा है। लेकिन अगर आप व्यापार देखेंगे तो इसराइल के साथ इंडिया का टोटल व्यापार का केवल 1% व्यापार होता है, जबकि अरब देशों के साथ हमारा 18% का होता है। तो 1% को खुश रखने के लिए हम 18% गंवा दें, ऐसा तो कोई बेवकूफ़ी भारत में अभी के वक्त में कोई करने वाला नहीं है। इसराइल से हमें हथियार मिलते हैं जरूरी है, बात अलग है, हमें कहीं और से भी मिल सकते हैं। ऐसा नहीं कि इसराइल हमें हथियार नहीं देगा, इसराइल भी हमारी मजबूरी समझता है। लेकिन अगर अरब देश को देखेंगे तो फिर पेट्रोलियम हमारा चल जाएगा, व्यापार चल जाएगा चौपट, क्योंकि उनको कुछ बनाने आता नहीं है, सीधे भारत से खरीदते हैं। साथ ही हम लोग को वहाँ पर 55 लाख लोगों को वहाँ पर रोजगार मिला है, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से। तो इतनी बड़ी चीज़ों को हम दाव पर नहीं लगाएंगे, इसलिए भारत खुलकर इसराइल के साथ